गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामाभ्याम नमः। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्हे दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्हे गुसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, स्वामिन मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मिर्सा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्हे चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरि राम माया ही सिरुनावा, प्रेरि सते जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जवब करउ सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होइ अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रगट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असयावा। एही तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभि गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने वो सर्वज्ञ।
कीन्ह कपटु मैं शंभुसन नारी सहज जड़यागे। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै सर से बिकाई देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग हो ये रसुजाई कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा इव उरे अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सते ही ससोच जानि व्रस केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। व्रस केतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरम न को जान कछु, जुग समय दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हों दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मुनिपति वचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सुफल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधेयस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गिलानी, मन महुराम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। तव मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जौ मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन
और कर्म से सत्य है। तव सब दर्शी सुनिए प्रभु करौ सुबेगी उपाय, होइ मरन जेहि बिना ही श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने उ सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागी। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये ते ही काला, देखा विधि बिचारी सब लायक दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग, नेविते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। बोलिए श्या बलराम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय, हर हर महादेव।